हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस तीन चीज़ की इक्वेशन फाइंड करेंगे। मतलब टोटल टाइम एक तो हम फाइंड करेंगे, प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ थोड़ा सा किया ही हुआ है। मान लो मैंने एक गेंद को यहाँ से यहाँ तक लाया, तो पहले तो यहाँ पे u, u के दो कंपोनेंट बनेंगे, u x और u y। ठीक है, तो पहले तो क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे उसकी मैक्सिमम हाइट, मान लो मैं कैपिटल H ले लेता हूँ उस मैक्सिमम हाइट को। ठीक है, दूसरा टोटल टाइम। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज में, मतलब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, वो टी हम फाइंड करेंगे। और हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ तक का उसका जो रेंज कितनी है हॉरिजॉन्टल, हाँ, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होने के कारण वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले तो यहाँ पे मान लो थीटा हम ले लेंगे। ठीक है, एंगल जो है वो थीटा ले लेंगे, मतलब थीटा एंगल पे हमने उस गेंद को क्या किया है, थ्रो किया है। ठीक है, तो देखिए अब जो पहले लास्ट में था वे पहले लिख देंगे हम। यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू कोस थीटा, किस तरीके से थीटा यहाँ पे है उसके नज़दीक वाला जो होगा ये यू एक्स, वो हो जाएगा यू एक्स यू कोस थीटा। दूसरा हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे मैं ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ, विच इज़ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखिए पहले तो ए टू बी फोर यहाँ पे लिख दे, ए टू बी पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब ए टू बी जाने में, ठीक है, जो टोटल टाइम है वो फाइंड करना है, लेकिन उसमें वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब क्या है, देखिए मतलब वर्टिकल में उसमें क्या मोशन हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, इसे समझना, वर्टिकल में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। देखिए मैं, अब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का ए टू बी का, लेकिन नहीं, यहाँ ज़ीरो होगा। मैं आपको समझाता हुआ किस तरीके से, देखिए पहले तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब यहाँ से ये पूरी एक लाइन है और उसके परपेंडिकुलर यूँ कुछ उसने किया, ठीक है, मोशन गेंद ने। तो फिर अब यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यदि मैं ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल में, तो वो भले यहाँ से ऊपर गया और बाद में इसी पॉइंट पर आया, ठीक है, भले उसने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में इस डायरेक्शन में मोशन किया है, वरना ऊपर से तो ऊपर गया, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ से वापस भी आ चुका है। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसने जो डिस्प्लेसमेंट काटा है वो ज़ीरो। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये वाई हो गया, अब ए वाई की यू वाई की बात करते हैं हम। यू वाई इज इक्वल टू क्या है, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है, ए वाई इज माइनस जी, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अब ये है ज़ीरो, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ये है हमारा टी प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वेयर। तो अब इसमें से टी पहले कॉमन ले लूँ तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू टी, और दूसरा क्या लिख पाऊँगा मैं, टी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो एक टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस वन बाई टू माइनस जी टी। ठीक है, टी कॉमन ले लिया और उसमें से दो अलग अलग पार्ट कर दिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब ओवरऑल मैंने क्या किया है, देखिए मैंने क्या किया, अब
यहाँ से टी को मैंने लिया कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस ओके प्लस 1/2 माइनस जी टी, टी को कॉमन लिया और टी इज इक्वल टू जीरो होगा। और ये अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मान लो टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कुछ तो टाइम लगा ही होगा, मान ले चले 1 सेकंड, तो 1 सेकंड भी टाइम तो उसे लगा ही ना, ठीक है। एक ही टाइम पे वो दो जगह पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो ही नहीं वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसकी मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी की मुझे क्या वैल्यू मिली, टी इज इक्वल टू यू टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, विच इज टोटल टाइम। ये क्या है, टोटल टाइम, ए टू बी तक आने में उसे टोटल कितना टाइम लगा होगा, तो इतना लगा होगा, ठीक है, इसे मैं कैपिटल टी ले लेता हूँ यहाँ पे, विच इज टोटल टाइम। तो ये हमने बात कर दी टोटल टाइम की। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज की, किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज, नाम ही है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है टोटल, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए अब उसके लिए हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल ही लेंगे, ठीक है, मतलब फॉर ए टू बी इन कौन सा हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओके यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वेयर। तो अब लास्ट में भी हमने लास्ट वीडियो में मैं बात करी हुई थी, देखिए पहले तो ये पता है हमें यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ समझाने के लिए, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ भी ग्रेविटेशनल या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो देखिए यहाँ पे मान लो ये 5 थी और ये 5 थी, तो इस पॉइंट पे ये जो है वो 5 ही रहेगी, लेकिन ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 2 हो ये 5 ही रहेगी, मतलब हर एक में हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है हो रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे बचा यू एक्स टी, अब यू एक्स इज इक्वल टू है यू साइन थीटा, और टी विच इज अब ए टू बी के लिए बात करें तो उसका तो टोटल टाइम होता है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है वो क्या होगा, यू मतलब यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या है, टोटल टाइम कैपिटल टी, जो क्या है यू टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब ये यू यू हो जाएगा यू स्क्वेयर, ठीक, अच्छा यहाँ पे कोस आएगा ना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा है, तो अब यहाँ पे टू साइन थीटा कोस थीटा, अब टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन टू थीटा डिवाइड बाय क्या है जी। तो ये हमें मिला आर, क्यों, हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैंने पहले ही बात की, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं कैपिटल, तो ये हमने आर को भी फाइंड कर दिया। अब लास्ट क्या बचा भाई, लास्ट में अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, देखिए अब जिसे हम कैपिटल ए चलेंगे, तो अब यहाँ पे हम वर्टिकल में बात करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ले ही लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ए टू सी की बात करेंगे वर्टिकल में, अब यहाँ का मुझे फाइंड करना है, तो ए टू सी तक जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में उसकी वर्टिकल में हाइट कितनी है, एच है कैपिटल एच, तो ये हमें एक मिल गया। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखी देता हूँ, पहले तो वाई कितना होगा, एच इज इतना होगा,
ए वाई कितना होगा माइनस जी होगा, और यू वाई होगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब ओ और यू या वी यहाँ पे क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, क्यों हमने पहले ही बात की कि यहाँ पे मान लो पाँच है, चार होगा, तीन होगा, दो होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से यू यू, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे वी हो जाएगा जीरो वी वाई, तो अब मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए वाई, ये हो जाएगा टू। अच्छा यहाँ ए वाई क्या है, अच्छा माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी वाई, वाई क्या है एच, एच अभी बाद में लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा जीरो, और ये जो है वो है यू साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस तो कट हो गया, तो और ये अंदर ले लेता हूँ, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टू जी आ जाएगी नीचे। तो मैक्सिमम हाइट की मुझे फॉर्मूला क्या मिला, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, जो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये तीन थे जो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं।